Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. आखिर की जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रमज़ान और बच्चों के साथ क्या करें, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वन ऑफ़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से दीन सिखाएं, हम अपने बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करें। रमज़ान एक बहुत अच्छा वक्त है, एक बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को दीन के बारे में सिखा सकते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के बारे में सिखा सकते हैं और दीन जो है उसके बहुत सारे जो मुतालबात हैं वो सिखा सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि रमज़ान का एक गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से कि रमज़ान एक फ़ैमिली टाइम होता है। रमज़ान में इंडिविजुअल चूँकि नहीं है, एक फ़ैमिली टाइम है। सहरी में हम साथ होते हैं, हम अफ्तार में हर दिन साथ बैठते हैं, मिल मिल के तरावी पढ़ने जा रहे होते हैं, जुमे को जा रहे होते हैं, इसी तरह ईद की मिल के तैयारियाँ कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत मरतबा मौके मिलते हैं जब हम आपस में बात करते हैं। तो रमज़ान को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर रखें कि अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। क्या हो सकता है, आप अपने बच्चों को वक्तन फ़वक्तन बता सकते हैं कि रोज़ा हम रखते क्यों हैं, ताकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हम अल्लाह को ये बताने के लिए कि देखें हम हालांकि हमने आपको देखा नहीं है मगर बग़ैर देखे हम आपके खातिर हमने खाना पीना भी छोड़ दिया। और इस तरह आप अपने बच्चों को सब्र सिखा सकते हैं, इस तरह आप अपने बच्चों को कुर्बानी सिखा सकते हैं कि अपनी फेवरेट चीज़ को किस तरह छोड़ा जाता है। आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि रोज़ा जो है वो किस तरह गरीबों की तकलीफ़ों का एहसास दिलाता है। जिस तरह हमने सदक़े खैरात चैरिटी की बात की, अपने बच्चों को उसके साथ इस्तेमाल रखिए। बहुत सारे लोग पेरेंटिंग के ऊपर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स करा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। उसमें बाज़ लोग जो है वो अपने घर के वेस्ट मटेरियल से कोई अच्छा सा सदका बॉक्स बना देते हैं, छोटी सी मस्जिद बना देते हैं, उसका एक मनी बैंक बनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं रोज़ाना 10 रुपये आप उसके अंदर डालें और शब कदर में अगर आपके पास 70 रुपये या ज़्यादा रुपये हो जाते हैं तो आप अपने हाथों से जाके चैरिटी करें। तो ये छोटे छोटे से काम है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसे इंटरनेट पर भी आइडियाज़ देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से सदक़े में इन्वॉल्व करें। नमाज के लिए उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स भी रख सकते हैं, आखिरी अशरे में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं शब कदर को, जाए नमाजें बिछाइए, बच्चों के लिए कोई अच्छी सी लैंटर्न्स लगाइए और बच्चों को बताइए कि अल्लाह ताला आएंगे, फरिश्ते आएंगे, दुआएं करेंगे, तो आओ हम मिलके करें। यानी एक ऐसा माहौल है कि बच्चे अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ एक ग्रुप सिटिंग करें जिसमें आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ें, कोई रमज़ान की कहानी बताइए, कोई कुरान की सूरा पढ़ के बताइए, जिसमें आप फिर बच्चे आपसे सवाल जवाब करें, तो आपको जो तरबियत रमज़ान में होगी इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी बहुत ज़्यादा होंगी। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वर्कशीट्स मौजूद हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बड़े आराम से गूगल कर सकते हैं, रमज़ान वर्कशीट्स लिखें, गूगल इमेजेस में जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं, उनके प्रिंट आउट निकालें, अपने बच्चों को दें। जिस वक्त आप कुरान पढ़ें और बच्चे आपको तंग करें तो आप अपने बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं, उसको कलर करेगा मस्जिद को, प्रेयर मैट को, इस तरह, और इस तरह वो सीखेगा भी। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप करेंगे, इट्स अ फन वे टू गेट द मोस्ट ऑफ रमज़ान। इसमें अजर भी है, इसमें ट्रेनिंग भी है, इसमें मज़ा भी है और इंशाल्लाह आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये कि रमज़ान असल में हमारे लिए एक ऐसा मौका है कि जब हम अपनी गलतियों को इस्लाह का जो एक अपॉर्चुनिटी हमें फराहम करता है। यानी हमें ख़ुद पता होना चाहिए, अपना मुहासबा करें कि वो कौन से एरियाज़ हैं मेरी ज़ात के, मेरी शख्सियत के, जिनको इस्लाह की ज़रूरत है। और रमज़ान में का जो ये बूट कैम्प है, ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, इसमें मैं अपनी उस खामी को दूर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा टीवी की एडिक्शन हो गई है, मोबाइल की एडिक्शन हो गई है, अगर आपकी ज़बान से गलत अल्फाज बहुत ज़्यादा निकलने लगे हैं, अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा खफा रहने लगे हैं, दिल में बुग्ज़ और जेलसी आ गई है, अगर आपके लोगों से ताल्लुकात कट गए हैं, अगर आपकी नमाजें बेकायदा हैं, यानी वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जो कि मेरी इस्लाह है, तो रमज़ान वो तमाम चीज़ों की इस्लाह का मौका फराहम करता है। तो इसके बारे में माइंडफुल रहें, कहीं सीक्रेटली लिख के भी रख लें अपनी किसी डायरी में, अपने किसी टेलीफोन के मोबाइल फ़ोन के ऐप में, नोटबुक में, टू डू में लिख के भी रखें और उसके ऊपर कोशिश करें, अपना गोल बनाएं कि कोई एक बुरी आदत मैंने इंशाल्लाह छोड़ने के लिए रमज़ान से मदद लेनी है। रमज़ान तो है ही एडिक्शन से निजात पाने का महीना, तो इंशाल्लाह वो जो बुरी आदतों की एडिक्शन है वो मैं कैसे छोड़ूंगी, और अच्छी कई आदतें हैं जो कि हम रमज़ान की रूटीन के ज़रिए, अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाना, लोगों के साथ अच्छी तरह मिलना, सदका करना, मुस्कुरा के मिलना, ये बहुत सारी अच्छी आदतें इंशाल्लाह हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे।
بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ یہ جو رمضان کا 30 دن کا ایک ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے, یہ جو ایک بوٹ کیمپ ہے, اگر ہم اس کے اندر اس طرح سے اپنی ساری روٹین کریں, روزمرہ کے معاملات ایسے رکھیں, اپنی عبادتوں کو اندر سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو, اس کی محبت کو, اس کی نعمتوں کے احساس کو, اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کو, اور اپنے اندر کھانے پینے میں, فزیکل میں, اٹھنے میں, سونے میں, لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں ہیلدی ہیبٹس کو اپنائیں اور اپنی عادت بنا لیں 30 دن تک ریگولر, 4 ہفتوں تک ریگولر, تو انشاءاللہ پورا رمضان کے بعد جو پورا سال آئے گا اس کے اندر ہم اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے زندگی کو رمضان بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری موت پھر عید جیسی ہوگی, کیونکہ اس دن ہمیں گفٹ ملے گا. تو اس دعا پر اختتام کرتے ہیں کہ جو آنے والا رمضان ہے اس میں میں اور آپ اس کو بہترین طریقے سے اس طرح گزار سکیں کہ ہم سب کی اس میں مغفرت ہو جائے, ہم سب کو اس میں جنت مل جائے, اور ہمارے پورے اسلامی معاشرے کے اندر ایک ایسی مثبت تبدیلی نظر آئے کہ جو دوسرے دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا پیغام ہو, تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کے ذریعے آخرت ہی نہیں بلکہ ہماری دنیا میں ہماری فلاح ہے, فرد کی بھی اور معاشروں کی بھی. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.